अभी मैं पीछे से आ रहा था, वहां पे क्या हो रहा है कि गेट से सब लोग बार बार अंदर बाहर एंट्री कर रहे हैं। वो पीछे में इसलिए बैठा था कि जो बहुत पीछे बैठता है उसकी तरक्की बहुत जल्दी होती है। मैं भी पीछे से बैठ के आज यहां पे आके खड़ा हो गया हूं आपके सामने, और आप लोग भी वहां से उठ के इधर कभी भी आ सकते हैं, मगर कृपया बाहर आना जाना थोड़ी देर के लिए बंद रखिए, क्योंकि पता नहीं कब मैं वो बात बोल रहा हूं यहां पे जिस बात पे आपको मैनेजर बन जाना था। जैसा कि सर ने बताया, अमरोहा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मुरादाबाद के पास एक जिला है। पेशे से सरकारी मुलाजिम था, और डिपार्टमेंट जैसा कि सर ने कहा बड़े तारीफों के लायक था। उत्तर प्रदेश पुलिस में जॉब करता था, बताइए तालियां क्यों बजा रहे सर? बहुत शानदार डिपार्टमेंट है, आपको एक मिनट इसमें मैं ले रहा हूं, उसी की वजह से हम रात को चैन से सोते हैं, उसी की वजह से सब कुछ सुरक्षित करते हैं, उसी की वजह से ट्रैफिक में लगातार स्मूथली चलते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें अच्छाइयां कम दिखती हैं और बुराइयां ज्यादा दिखती हैं। खैर मैं आगे बढ़ता हूं, मेरे को आज बहुत प्राउड फील हो रहा है, और बहुत गर्व हो रहा है मुझे अपने आप पे कि आज मुझे मौका मिला अपने सक्सेस को आपके सामने शेयर करने का। और एफएलपी के महागुरु सभी आगे बैठे हैं, इन महान हस्तियों के सामने अपनी आज तक के सफर को मैं शेयर कर रहा हूं। अगले 15 मिनट लगभग मैं आपके साथ हूं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है 15 मिनट कृपया इसी हॉल में रहिएगा। हॉल में रहिएगा मतलब मेरे साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों सरकारी सर्विस करता था तो घर को चलाने में तो कोई दिक्कत थी नहीं, दो बच्चे पत्नी और मैं, छोटी सी फैमिली, परिवार बड़े आनंद से चल रहा था, दाल रोटी में कोई कमी नहीं थी, सब कुछ ठीक जा रहा था। लेकिन अचानक मेरे स्वास्थ्य में इस तरह की दिक्कतें आई कि मेरे को अपनी ड्यूटी करनी थोड़ी मुश्किल हो गई, और फोर्स से रिलेटेड जो लोग होते हैं अगर उनको अपने स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत हो जाती है तो बड़ी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। सरकारी स्तर में इलाज शुरू हुआ और प्राइवेटली फिर मैं अपनी तरफ से अपना इलाज कराने लग गया, मगर नतीजा शून्य था, क्योंकि हॉस्पिटल बदलते रहे, मेरा शरीर वैसे का वैसा ही रहा। एक दिन इत्तेफाक से एक बंदा मेरे को मिला जिसका नाम विक्रम सिंह है, मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां उनके लिए हों। विक्रम सिंह ने मेरे को कहा कि भाई साहब आप एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, वर्ल्ड लेवल के प्रोडक्ट है, आप उनको यूज करके देखिए। मरता क्या ना करता, सभी की सलाह अच्छी लगती है उस समय पे। मैंने कहा भाई साहब आपकी सलाह मानता हूं, चलिए आपके साथ चलता हूं, दिलवाइए कहां पे मिलेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सब मैं अब बोल रहा हूं, उस समय मैं इनको दवाइयां समझ रहा था। दवाई लेने के लिए दिल्ली आया, मैं समझ रहा था कोई पुराना डॉक्टर होगा, कोई बड़ा हॉस्पिटल होगा, वो इंसान मेरे को लेके पहुंचा है दिल्ली में कमला नगर।
और कमला नगर में जो शख्स मेरे को मिलते हैं सामने से बड़े मुस्कुराते हुए, आप यकीन माने कि मेरी आधी बीमारी उस शख्स के चेहरों को देख के ही गायब हो गई। और वो शख्स कौन थे आप जानना चाहते हैं? मेरी ग्रेट अपलायन मिस्टर आनंद गांधी जो आज हमारे बीच में है। दोस्तों प्रोडक्ट्स यूज किए और शानदार हो गई, पहले जैसी हेल्थ हुई, कोई दिक्कत नहीं रही। लेकिन एक दिन गांधी जी ने मेरे को बोला कि आप इसमें व्यापार भी कर सकते हो। मैंने कहा सर व्यापार तो कर सकता हूं मगर मैं करूंगा किस तरह, क्योंकि मेरी जेब में पैसा तो होता नहीं है। बोले पैसे लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप आइए आपका एक फॉर्म भरते हैं और अपना सफर शुरू करिए। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि बेटा करके देख लो, चल गया तो पैसा ही पैसा, नहीं तो पहले जैसा। फॉर्म भरा, 2 सीसी का बिजनेस किया 2 मिनट के अंदर। 2 सीसी का बिजनेस करके उन दिनों मेरी पोस्टिंग ऑर्डर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट एक पड़ता चाइना बॉर्डर पे, दिल्ली से बड़ा दूर है। 2 सीसी करके गया क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट्स का बेनिफिट मिला था, तो जो मेरे अड़ोसी पड़ोसी थे उनको मैंने 2 सीसी के प्रोडक्ट यूज करा दिए। बड़े अच्छे रिजल्ट उनको भी आए, 1-2 फॉर्म भी मैंने साइन कराए। लेकिन जनाब वहां से दिल्ली नहीं आ पा। इस बीच एक ऐसी शख्सियत का नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने वाकई मुझको FLP का ABCD सिखाया, वो है मेरे सीनियर डॉक्टर KK शर्मा जी। जोरदार तालियों के लिए दिखाऊंगा। वो महीने में 2 बार जाते थे पिथौरागढ़, दिल्ली से जाते थे पिथौरागढ़, लगभग 700 किलोमीटर का सफर पूरा करके वहां पे उनको ट्रेनिंग देते थे, मुझको अकेले को ट्रेनिंग देते थे। गांधी जी से बात होती थी, वो बार बार बोलते थे कि नारायणा ऑफिस आओ, नारायणा ऑफिस आओ। लेकिन जरा चूंकि मैं पुलिस में नौकरी करता था, 30 दिन की छुट्टी 1 साल में मिलती थी। 30 दिन की छुट्टी को या तो इधर लगा लो या घर में लगा लो, दिमाग में कंफ्यूजन रहता था। बच्चे बोलते थे पापा बिजनेस बाद में देख लेना, अभी तो ये 30 दिन हमको दे दिया करो। कभी 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 नारायणा ऑफिस आता था। एक दिन नारायणा ऑफिस में पहुंचा, क्लास के अंदर गया तो पता क्लास किसकी चली हुई थी? मुझे FLP का नक्शा बताने वाले, हजारों की जिंदगियां बदलने वाले मिस्टर पंकज गुप्ता जी को। पंकज गुप्ता जी क्लास ले रहे थे, मैं सामने बैठा था, तो भाई इत्तेफाक मैं सबसे लंबा दिखता था वहां पे। तो सर ने मेरे को कहा कि ऐसा आप कहां से हैं? मैंने सर में पूरा कर दिया। क्या करते हो? मैंने सर में पुलिस वाला हूं। पुलिस वाले? मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ हो। बोले कोई बात नहीं चिंता की, कोई बात नहीं, मैं भी पुलिस वाला हूं।
भाई एक नहीं हूं, दो हो गए, ठीक है जी। ट्रेनिंग की कमी रही, पंकज गुप्ता जी से बहुत कुछ सीखा, थोड़ी सी और मेहनत की, लोगों पे गाना शुरू किया, तो पता मेरे को लोग क्या बोलते थे, जीवान जी हालात तो ठीक है, ये फोटो निकल कैसे पकड़ ली, नौकरी में कुछ नहीं होगी। मैंने कहा नहीं भाई साहब, ये बहुत बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है, आपके हेल्थ को बढ़िया करेगा, ये करेगा, तो करेगा, तमाम चीजें उनको बोलता था, लेकिन लास्ट में जहां पे पुलिस की वर्दी दिखती थी, कोई भी प्रोडक्ट लेने को तैयार नहीं होता था। मैंने कहा भाई मेरा नाम राम राम सत्य हो जाएगा, मैं एफ एल पी नहीं कर पाऊंगा। इसी तरह से ज्यादा राह लोगों पे लोग नो बोलते रहे, लोगों पे ज्यादा राह लोग नो बोलते गए, और एक दिन ऐसा आया कि पिथौरागढ़ से मेरी पोस्टिंग हुई डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में। बिजनौर में आया, मेरे पे ऑफिस खुल चुका था, काफी पहले खुल चुका था मेरे आने से, यहाँ पे आना शुरू किया और क्लास में सबसे पीछे बैठता था, डायरी में नोट्स बनाता था और सीधा बिजनौर को चला जाता था, और वहां पे लोगों को बोलता था कि भाई साहब मेरे से आप रात में ड्यूटी करा लो, दिन में मेरे को कहीं जाना होता, दिन में यार ट्रेनिंग लेता था और रात को ड्यूटी करता था। और एक दिन ऐसा आया कि कुछ लोग मेरे को हाँ बोलने लगे, क्योंकि ट्रेनिंग से मेरे अंदर एक आत्मविश्वास, प्रोडक्ट के प्रति एक श्रद्धा, ये जब जगी और सामने वाले ने जब देखा कि यार ये बंदा लगातार एक प्रोडक्ट की कसम खा रहा, इस बंदे में कोई ना कोई बात तो है, तो पुलिस पीछे छूट गया और एफएलपी आ गया। लोग यस करते चले गए, कारवां बनता चला गया, ट्रेनिंग बढ़ती चली गई, और ये सीख गया कि आप अगर किसी पर्सन के घर पे जा रहे हैं तो वहां पे ना तो एफएलपी को वो जानता है, ना आपके प्रोडक्ट्स के बारे में वो जानता है आपको, और बिकते हैं सबसे पहले आप। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है, सामने वाला ये समझे कि यस मेरे को इसके जैसा बनना है, और वो आपसे कहेंगे सर मैं कंपनी को बाद में जानूंगा, पहले वो तरीका बताइए जिससे मैं आपकी तरह बन जाऊं, आपके जैसा देखूं, आपके जैसा बोलूं। का तरीका था दोस्तों, जो हम पीछे बैठे हुए सोचते हैं, मैं आज पीछे इसीलिए बैठा था सर कि देखता हूं लोग किस तरह से बातें करते हैं। नहीं तो लेट आते हैं उनको तो बैठना ही पड़ता पीछे, बाकी कुछ लोग पीछे बैठने के आदि होते हैं मेरे जैसे, वहां पे पीछे बैठे हुए सोचते हैं कि यार ये लोग ऑलरेडी बड़े लोग हैं, ये मंच को पहले से शेयर करते चले आ रहे हैं, मैं आज आपके बीच में से उठ के आया हूं, मैं आज आपके पास बैठा था, और आपको यकीन दिलाता हूं अगले जो भी मिनट मेरे पास है आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। मेरी अपनी कोई खास अहमियत नहीं है, मेरा अपना कोई खास वजूद नहीं है, लेकिन आप एक इतने बड़े वजूद के साथ जुड़ गए हैं, इतने बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ गए हैं कि आप थोड़ा सा यस यस बोलते रहिए, थोड़ा सा उत्साहित रहिए, ये प्लेटफॉर्म आपको फर्श से उठा के अर्थ पे पहुंचा देगा। वृक्ष की कस्में हम खाते हैं, तीसरी लेयर तक पेनिट्रेट करते हैं, एक चौथी लेयर बताओ, चौथी लेयर तक पहुंचता है इसका मार्केटिंग प्लान। अगर आपकी खोपड़ी में घुस गया तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोकता नहीं। दोस्तों मेरे को हाँ कहना जब शुरू किया, एक टीम बननी शुरू हुई,
असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर बनने शुरू हुए और मेरे अंदर आत्मविश्वास जगता चला गया। और मेरे जो गुरु थे डॉक्टर के पी शर्मा आनंद गांधी जी का, इनका आशीर्वाद जब मेरे साथ हुआ, उनका आशीर्वाद तो पहले से ही था, ये बात अलग थी कि मैं उस समय आशीर्वाद को लेने के लायक नहीं था। एक दिन वो आया, पति पत्नी दोनों बैठे, विचार किया कि दो नावों में पैर कब तक रहेंगे, आज ये निर्णय करना पड़ेगा, आज ये निर्णय करना पड़ेगा कि जो हमारे बचपन के ख्वाब थे, जो बचपन के सपने थे, जो ड्रीम हमने देखे थे कि हम फाइव स्टार में खाना खाए, हवाई जहाज में सफर करें, अच्छी गाड़ी को मेंटेन करें, वो सारे जो सपने हैं हमारे, वो हमारे कहां से पूरे हो सकते हैं। तो मेरी पत्नी का पहला जवाब था कि 30 साल से नौकरी कर रहे हो, दाल रोटी के अलावा कुछ नहीं। मैंने कहा दूसरा क्या है, उसने कहा कि वर्ल्ड के अंदर और घूम के आ जाओ तो तुम्हारे घर के अंदर केवल एक ही पावर है जो तुमको करोड़पति बना सकती है, वो है फॉरएवर लिविंग रूलर। मानिए सरकारी नौकरी को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे था, 40,000 रुपए सैलरी लेता था, आज जाके समाज में आप बात करिए कि 40,000 की नौकरी किसी से छुड़वा दो तो आपका मजाक कराएगा। यहां पे लोग 20,000 की नौकरी को तरसते घूमते हैं। मुझे 40,000 की नौकरी पे एक डिसीजन लेना था और वो डिसीजन ऐसा आया कि मैं 5 मिनट में, मात्र 5 मिनट में 30 साल की नौकरी को अलविदा कह के पूरे रूप से, फुल रूप से अगस्त 31, 2012 को मैंने अलविदा कहा अपनी नौकरी को। टीम अपनी डेवलप कर चुका था, अक्टूबर 24, 2012 को मैंने वो लेवल प्राप्त किया जिस लेवल को सभी लोग अपने सपने में संजो के रखते हैं, वो है मैनेजर लेवल। ठीक नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद मेरे को मिल गया, मैनेजर बना। वो जो होता था ना पहले वाला सफर, जब मैं नारायण दिल्ली जाता था, कपड़े प्रेस करके जाता था, अच्छे कपड़े लेके जाता था, मगर ट्रेन की भीड़ में जब खड़ा होकर जाता था तो वहां से जाके पता कैसे हो जाते थे, ये बोरे ढूंढते कोई आ रहा, इस तरह के कपड़े हो जाते थे। और ऑफिस के सामने जब मैं जाता था वहां पे लग्जरी गाड़ियों से जब मैनेजर उतरते थे, बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियों से मैनेजर उतरते थे और बड़े अच्छे अच्छे सूट पहन के आते थे, तो मैं कहता था भाई ये दूसरी दुनिया के हैं, तो दूसरी दुनिया का मैनेजर बना दो तो इसको कहते हैं ड्रीम पोस्ट, है ना, आपकी जिंदगी को चेंज करने वाली पोस्ट। मैनेजर बना तो आपको यकीन नहीं आएगा, मॉल में खरीदारी ब्रांडेड कपड़ों की किस तरह से की जाती है वो मेरे को मैनेजर बनने के बाद ही पता चला। मैनेजर बन गया, ब्रांडेड कपड़े आ गए, अब नंबर था कार का, तो इस कंपनी की महानता देखिए, इस प्लेटफॉर्म की महानता देखिए, और थोड़ी बहुत मेरी मेहनत भी समझ सकते हैं। अक्टूबर 2012 में मैनेजर बना और दिसंबर 2012 में मेरे को कार प्लान वन मिला। पहले काम को करते हुए 31,000 की बाइक मेंटेन करता था, इस काम को फुल टाइम करते हुए 4-6 महीने में, ऐसा नहीं कि 4-6 महीने में ही कोई चमत्कार हुआ है, मैं संघर्ष करता चला आ रहा था, टीम को बनाता चला आ रहा था। इस कंपनी ने 4-6 महीने में मेरे को कार के पैसे दिए और मेरे पास एक शानदार कार आ गई, और उस कार में बैठ के और ब्रांडेड सूट पहन के और अपनी पत्नी को अच्छी साड़ी पहना के जब नारायणा में जगवीर सिंह पहुंचते हैं तो सब लोग ऐसे स्वागत करते हैं जैसे वहां बड़े बड़े लीडर्स का स्वागत होता है।
ये बातें मेरे दिल से निकल रही हैं, तो जरा दिल से सुनिएगा, और जिसके भी दिल पे लगेगी वो अगले सक्सेस डे में यहाँ जुड़ा होगा। सफर थोड़ा और आगे बढ़ा, चूंकि जब आपके स्टाइल को देखते हैं, आपके पहनावे को देखते हैं, आपके चलने के तरीके को देखते हैं, तो लोग यस करने आपकी चौखट की तरफ आने लगते हैं, फिर आपको नहीं जाना पड़ता। दो हजार बारह तेरह में 10 लाख से ऊपर की इनकम जो एक फाइनेंशियल ईयर की होती है, उसमें जो लोग जाते हैं उनको मिलेनियर क्लब का सदस्य कहते हैं। 2012-13 में मिलेनियर क्लब का सदस्य बना, और इस समय की अगर मैं आपको पूरे 12 महीने की अपनी इनकम बताऊं, तो मैं एक साल में 25 लाख रुपए कमा रहा हूं। और गजब तो तब हुआ जब मेरे पास डॉक्टर के शर्मा जी, मैं आज वो यहाँ पे है नहीं, मैं भरे स्टेज पर भरे बाजार में उनके पैर छूने को तैयार रहता हूँ। अगर मैंने किसी की इज्जत की है इस दुनिया में, तो वो मेरे माता पिता है, उसके सेकंड नंबर पर डॉक्टर के शर्मा है, भगवान उनका भला करे। उनका फोन आता है कि आपको बधाई हो, आपको मैनेजर रिट्रीट में जाना, तो आपको पता है किस तरह से हो रहा था हमारा मैनेजर रिट्रीट में जाना है, और दोनों को जाना है और दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचना है। 7:30 बजे वहां पे बुलाया और हम दोनों 6:30 बजे जाके खड़े हो, पूरी रात सोए नहीं, चूंकि हमको रात भर दिख रहा था हवाई जहाज की सीट पे कैसे बैठेंगे, कैसे बैठ पाएंगे, है ना जी। देखो बहुत सारी पत्नियां यहाँ पे बैठी होंगी, वो बड़ा विरोध करती है अपने पतियों का कि सुबह निकल जाते हो, शाम को आते हो, पता नहीं कहाँ रहते हो। आप यकीन मान के चलिए, आपका पति अगर फॉरएवर के लिए घर से बाहर निकलता है, तो बहुत ही नजदीक है जब आप उसके साथ पूरी दुनिया में निकलेंगे। दिल्ली पहुंचे, हवाई जहाज के अंदर बैठे, तो कोई अपनी सीट देख रहा है, कोई सामान देख रहा है, और फिर मैं क्या वहां पे देख रहा हूँ कि हवाई जहाज में वैक्यूम छोड़ा जाता है, पता नहीं क्या होता। मैं उसको देख रहा हूँ और अपनी पत्नी को बोल रहा हूँ, ये तो पिथौरागढ़ के ऊपर का सीन चल रहा है जी। यहां से मुंबई पता कि किसी को था नहीं कहां पे जाना है, तुमने सरप्राइज होता। मुंबई पहुंचे और अंत तो हुआ, लास्ट में क्या हुआ कि होटल आज जो अभी जिंदल साहब बता रहे थे कि शान है वो हिंदुस्तान की, उस होटल में हम पहुंचे। और एक छोटी सी एक बड़ी शानदार बात आपको बताना चाहता हूं कि होटल में पहुंचे, लोगों ने कहा सर में काफी अपने पे चाबी ले लो, ध्यान से सुनना सभी लोग, ये आप सबके साथ होने वाला है। होटल की चाबी लिफाफे टाइप के वो हाथ में दिए, अब हम पूछ रहे हैं शर्मा जी से, सर इसमें चाबी तो दिख नहीं रही, तो कह रहे मेरे भाई इसमें एक कार्ड है, वो कार्ड लगा देना, उसमें चाबी ऐसी होती है। मैंने अपनी घरवाली की तरफ देखा और उससे मैंने कहा यार आज बदल गई जिंदगी, आज बदल गई, चाबी से कार्ड पे पहुंच गए। और वहां पे जब हम पहुंचे, कार्ड को एंटर किया, गेट खुल गया, आज भी मेरे को बहुत याद है अच्छी तरह से वो सीन याद है, 617 नंबर का कमरा हमें अलॉट हुआ था।
अंदर पति पत्नी दोनों जा रहे हैं, लाइटें तमाम लगी हैं, मगर गलती कोई नहीं। अब कमरा कैसे खुलेगा, ये तो पूछ लिया, मगर लाइटों को कैसे ये बात आपको लग रही है, मगर सोच के देखिए कि जब आप यहां से उठ के वहां पहुंचते हैं और आपको वहां मिलता है तो आपके अंदर किस तरह की बुद्धि हो रही है। बिना मांगे राज मिल जाता आपको। अच्छा, कितने लोग फाइव स्टार में रहे हैं यहाँ पे? ये देखा, ये सारे मेरे जैसे बाकी। कोई बात नहीं, आप भी जाएंगे। अब लाइट जलाने का जब नंबर आया तो मैंने कहा यार पास जलाओ बटन तो इतनी रेडी। तुम्हारे मित्र बाबू को याद है, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा ये पड़ोस का कहेगा नहीं। उनको मैंने फोन किया कि सर ये बताओ ये लाइटें कहां से लाऊं, बोले कोई कार्ड जुगाड़ के पीछे डाल दो। लाइटें जल गई और दोस्तों जिस तरह का ट्रीटमेंट कंपनी का वहां पे था, जिस तरह का खाना वहां पे था, जिस तरह का रास्ता वहां पे था, जिस तरह से लोग हमारी इज्जत कर रहे थे, कंपनी का सारा स्टाफ हमारे आगे पीछे घूम रहा था, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि किसी ब्याह शादी, किसी राजे महाराजे की ब्याह शादी में भी इतने अच्छे इंतजाम हो सकते हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ इस कंपनी को, इसलिए नहीं कि इसमें मैं पैसा कमाने लग गया, इसलिए नहीं कि आज मैं मैनेजर हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे पे कार प्लान है, इसलिए नहीं कि मैं मिलेनियर क्लब का सदस्य हूँ, बल्कि इसलिए सैल्यूट करता हूँ कि ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो किसी भी इंसान को जिसके अंदर डिजायर है, इच्छा शक्ति है, उसको उठा के करोड़पति बना सकती है। अभी सर ऊपर आने लग गए, इसका मतलब यह है मेरा समय लगभग लगभग पूरा हो चुका है। मेरी बातों पे ध्यान करिए, सारी चीज किसी को भी मिल सकती है। जब एक पुलिस वाला डंडा चलाते चलाते फॉरवर्ड के प्रोडक्ट अपने आत्मा में ला सकता है, तो आप भी ला सकते हैं। अंत में आप सबका धन्यवाद करूंगा कि आपने मेरे को सुना, और मैं दिल से चाहता हूं कि आज जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, सब मैनेजर को कुछ भी नहीं है, ये तो शुरुआत भर है, मेरी भी और आपकी भी, ये तो शुरुआत भर है, अभी तो हमें बहुत आगे जाना है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जब हम देखते हैं तो हम ऐसे लगते हैं कि हम बड़े छोटे हैं, अभी बहुत आगे लेवल पे हमको जाना है, बहुत सारे पद अचीव करने हैं। बस जरूरत है कि आप अंदर से आत्मा की आवाज सुन के इसको करिए। आपका धन्यवाद करता हूँ आज के प्रत्यक्ष देवता श्री रेक्स मोदी का, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को ईजाद किया। धन्यवाद करता हूँ अमरजीत सर का, हिंदुस्तान में इसको लेके आए और मेरे जैसे पता नहीं कितनों की जिंदगी बदल दी, और अभी आगे कितनों की जिंदगी बदलने वाली है। धन्यवाद करूंगा, बहुत दिल से धन्यवाद करूंगा अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर आनंद गांधी जी का, डॉक्टर के पी शर्मा जी का, पूरी नेशनल एक्सपेंशन टीम का, और खास तौर से जेके सर का, पंकज जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी की महानता में एक मिनट, आधा मिनट बोल लेता हूँ। अभी 15 दिन पहली बात है, मैं क्लास में पीछे बैठा था, पीछे से पंकज जी आए उनकी क्लास में, मैंने इनको कहा सर आपकी वजह से कितने लोगों की जिंदगियां बन गई है ना, कितने लोग मैनेजर बन गए, सीनियर मैनेजर बन गए, आप महान हो। तो पता मेरे क्या बोलते हैं, कह रहे सर मैं तो आपसे सीख रहा हूं। ये होती है महानता, मेरे को उल्टा बोल रहे हैं, मैं तो आपसे सीख रहा हूं। एक कड़ी और है जिसका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, बिल्कुल आत्मा से धन्यवाद करना चाहूंगा। अभी एक सज्जन और उनकी तारीफ कर रहे थे, मेरठ का FLP स्टाफ, हूं कि अमरजीत सर कहां पे ले जाके इनको ट्रेन करते हैं।
ये पत्रिका में तो आता नहीं तो वहां पर ट्रेंड किया है ना। हम लोग प्रोडक्ट की लाइन में लगे हैं, कोई जल्दी बता रहा, कोई खुद कर रहा, और वो बेचारे मुस्कुराया जा रहा है। अरे अभी हो रहा, चल बिल्कुल होगा। इतना बेहतरीन स्टाफ, मैं आपको बताऊं उत्तर प्रदेश में 73 डिपार्टमेंट काम करते हैं। 73 डिपार्टमेंट में मेरा बहुत बहुत अनुभव है, मैं वहां पे गया हूँ, लेकिन मैंने ऐसा स्टाफ कहीं पर नहीं देखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब तरक्की करें, ईश्वर आपकी मदद करे। थैंक यू।